दुनिया में जाने वाला हूँ। देखती हूँ, सुना तो है कि परसिटी स्कूल की मैडम और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन चलिए देखते जरा कि कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरी कितनी आंखें हैं? बताओ। दो। एक दो तीन चार पाँच, पाँच उंगलियाँ है ना। अच्छा तो हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं ना, तो हमारी जो गिनती करने वाली संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे हाथ की घड़ी कितनी है, तो आप बोलोगे एक। और अगर हम आप कहते हैं कि हमारे हाथ में कितनी घड़ी है, आप कहोगे एक ही घड़ी। तो जब गणित की भाषा में एक ही नहीं आता है तो उसे हम जीरो कहते हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में भी हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो कैसी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक और पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्याओं में भी जब ऋण वाली संख्याएं हम शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। लेकिन आज तो हमें पढ़ना है कि पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2+3 यानी कि 2 + 3। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? 2 पर जाते हैं। और अब कितनी बार चलेंगे? 3 बार चलेंगे। 1, 2, 3 हम कहाँ पहुँच गए हैं? 5 में। तो 2+3 का उत्तर आ गया 5। और इसी तरीके अगर हम माइनस की संख्याओं का करें, जैसे कि अगर हम माइनस के 5 में से प्लस का 6 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कैसे आएगा? माइनस का 6 है तो हमें क्या करना है, इसमें कितना जोड़ना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो उत्तर क्या आ गया? माइनस का 1। इसी तरीके से हमने एक और थ्योरम बनाया है, कंघी की सहायता से भी हम एक संख्या रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरीके ये 0 है और इस साइड वाली हमारी संख्या है प्लस की धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक।